मानसून से पहले ऑनलाइन ठगों के निशाने पर अब किसान आ गए हैं। खुद बदमाश किसान मोदी सरकार की स्कीम बताते हुए आधे पैसों में नया ट्रैक्टर देने का झांसा दे रहे हैं, जो कि फर्जी योजना बनाकर प्रचारित भी कर रहे हैं। तो वहीं इसकी पूछताछ करने के लिए किसान कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, तो कई फोन पर भी जानकारी जुटा रहे हैं। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इन फोन कॉल से परेशान हैं। कृषि विभाग ने इस पर बताया कि किसानों को चेताया गया है कि ऐसी कोई योजना केंद्र व राज्य सरकार में नहीं है, किसी के झांसे में ना आए, वरना ठग आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवर करने के नाम पर पैसे हड़प लेंगे। कृषि विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने इस पर बताया कि सरकार की ओर से ट्रैक्टर व सब्सिडी देने वाली खबर फर्जी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 नाम से किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। ठग उसे इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं जैसे सरकार की ही कोई योजना हो। उसे बताया जा रहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अभी गूगल पर और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री कृषि ट्रैक्टर योजना 2020 के नाम से कुछ वायरल हो रहा है, और उसमें हमने जानकारी की राज्य स्तर से, तो पता लगा इस तरह की कोई योजना नहीं है। बड़े संख्या में किसानों के फोन हमारे पास भी, हमारे कार्यालय में और हमारे स्टाफ के पास भी आ रहे हैं। सभी को हमने यही जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है, और सभी किसानों से ये अनुरोध है कि किसी प्रकार की उनके साथ चीटिंग नहीं हो जाए। इसलिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर, पत्रावली तैयार करने के नाम पर, नेट पर या ऑनलाइन कोई पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं करें। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।